गोरा और अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए घूमने के लिए नीलखंड जा रहे हैं और अभी हम व्लॉग शूट करेंगे गाइस। ये हमारा दावा है कि ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा चलेगी क्योंकि हम श्री राम भगवान के भक्त हाँ हैं और आज शिव बाबा का हमारा फिर पे आशीर्वाद भोले है। बाबा के भी हम भक्त हैं और श्री राम जी के भक्त हैं। तो अभी हम चलते हैं गाइस। सबसे पहले हमारे धन्नो हैं तो धन्नो को लेकर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। हाँ तो गाइस अभी के लिए इतना ही। हाँ तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं गाड़ी पे और अभी हम निकल गए हैं भाई। आराम से आराम से आराम आराम से आराम से आराम से आराम से गाड़ी को इतनी भयंकर भगा रहा है। हम जा रहे हैं घूमने के लिए नीलकंठ महादेव। तो अभी हम जाएंगे, सबसे पहले हम तीनों मिलकर ना गाना गाएंगे हर हर महादेव का। तो पहले कौन गाएगा वो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है हम तीनों साथ में भी गा लें। अच्छा तो देखता हूँ अगर रे एक मिनट हम देखो हम क्या तीनों एक साथ 1 2 3 करेंगे तो तीनों एक साथ गाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है तीनों एक साथ मुकेश तो जी थोड़ा मेरे पास तीनों तीनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है हम तीनों मिलके एक ही गाना गाने लग जाए। तो देखता हूँ तो भगवान की भक्ति कौन सी है। 1 2 3 हरे हरे सब हम देख सकते हैं हम दोनों भगत है ये भगत नहीं है। तो बस स्टॉप। अच्छा तो अभी हम आपको रास्ता दिखाते हैं नीलखंड का। Hold me close till I get up. शूट कर रहे हैं व्लॉग शूट कर रहे हैं भाई। अपना YouTube चैनल है चेतन ब्लॉग चैनल का नाम है। चलो बच्चे आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे और हमारी गाड़ी में पहले तेल डालेंगे। सही बात है ना भाई चेतन। और आज हमारी छुट्टी है गाइस। छुट्टी है। मैंने भी छुट्टी रखी है कि मैं हमारी दुकान की तो छुट्टी सही ही रहती है इसलिए छुट्टी रखनी पड़ती है। लड़के रखता है इतनी बदतर जगह पे लेके गए कि हमारे को गुस्सा आ रहा है कि इसके दो चार मारूं। मैं इतने सूख आता वहाँ मेरे को जाते कोई बात नहीं सबर करो सबर। तो हम जा रहे थे नीलकंठ और आधे रास्ते आ चुके हैं और हमारे विजेंद्र जी है और मुकेश जी है तो हमारे गाड़ी चला रहे हैं। हम जा रहे हैं तो हमारे विजेंद्र जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कुछ बताना चाहते हो हमारे। क्या बताना, आज का दिन तो ऐसा है डोला डोला है कि हम भोले बाबा का आशीर्वाद है हमारे सिर पे। अच्छा तो मैं कुछ खास बता नहीं पाऊँगा लेकिन ये है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्पेशल डे है सबके लिए। तो ऐसे दिन हरदम आए और मैं आशा करूँगी जैसे इस बार हम तीनों भाई लोग जा रहे हैं नीलकंठ वैसे हर बार हम ऐसे ही जाए वैसे हमारा प्यार बना रहे और चेतन भैया को इतना सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको सपोर्ट करने में देखो कुछ भी नहीं जा रहा, आपका कुछ भी नहीं जा रहा लेकिन हमारा बहुत कुछ जाता है। लेट भी आता है, मेहनत भी जाती है, हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों ने लेकर मैं आपको इतना सब कुछ अच्छे अच्छे सीन दिखाए घर बैठे बैठे लेकिन आप लोग हो यार सब्सक्राइब ही नहीं करते हो लाइक ही नहीं करते हो। मेरा यार दिल से पूरा लगता है कि यार गाइस वीडियो बनाना छोड़ देते यार, इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपको पूरा क्लिक करना है, क्लिक करने में क्या जा रहा है यार गाइस कभी नहीं जाता यार गाइस आपका एक वीडियो को क्लिक करने। आप अगर सच्चे शिव भगवान के भक्त हो तो आज इस वीडियो को लाइक करके दिखा देना कौन कौन शिव भगवान का भक्त है और इस कमेंट के अंदर हर हर महादेव लिखना ना भूले। जो भी हर हर महादेव लिखेगा उसके माँ बाप की लंबी उम्र बढ़ेगी और उसका सच्चा प्यार करता तो उसको प्यार मिलेगा और उसको सारी चीज़ें मिलेगी जो उसको लाइफ में चाहिए। तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना लिखना ना भूलिएगा। इस गाइस हमारे विजय जी ने इतने अच्छे अच्छे बताए हैं तो आप जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा हर हर महादेव। तो आप चलते हैं गाइस।
पता भी नहीं चला कि कब आए, तो मजा करते करते आए। तो क्या बताएं हम आपको, पांव देने की जगह नहीं यहाँ पे, इतनी भीड़ बढ़ रही है, बहुत ज्यादा इतनी भीड़ है कि भाई क्या बताएं हम आपको। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम दर्शन तो करके ही जाएंगे, भोले बाबा के भक्त हैं, आपको भी करेंगे, इतना मेहनत करने के बाद में पीछे थोड़ी ना हटेंगे, जाएंगे यार, हम जा रहे हैं, भले भोले बाबा के भक्त हैं। गाइस तो बहुत आते हैं दर्शन पाने के लिए, जिनकी भी मनोकामना होती है तो वो पूर्ण आते हैं यार। गाइस अभी हम आ गए, पहुँचने वाले हैं मंदिर बहुत ही जल्दी, द्वारपाल के अंदर जाने के बाद आ चुके हैं। कई लोगों से आपका परिचय भी कराएंगे, उनसे भी पूछेंगे यहाँ के बारे में, तो किसी ना किसी को पकड़ते हैं जिसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, अच्छी जड़े को पकड़ तो जो बोलना जानता हो अच्छी तरह से उसको पकड़ेंगे, यूट्यूब के बारे में जानता हूँ उनको पूछाएंगे। लगता है कि भैया आप महादेव के बहुत ही बड़े भक्त हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल भगवा रंग का पहन रखा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम पिशांगन से आए हैं। अच्छा, पिशांगन से आए? हाँ। अच्छा, बहुत ही बड़े भक्त हो। पिशांगन से? मैं नानेरे के। पिशांगन में कहाँ से? मेवाड़े। हाँ, तो मैं नानेरे हो गया। अच्छा, तो हाँ, तो चेतन जी यहाँ पे जान पहचान निकलाने के लिए नहीं आए, भैया से कुछ बातचीत पूछने के लिए आए? पूछ सकते हो आप। क्या जॉब करते हो भैया? मैं भी तहसील के पास काम करता हूँ। पिशांगन। अच्छा, चलो आपका शुभ नाम? लोकेश मेघवंशी। अच्छा अच्छा, लोकेश जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मिल गया है, हम पानी की बारिश कर रहे हैं। ये चेतन जी आप आए, मुकेश जी की बारी और उसका तो मेरी बारी। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। तो अभी हमारे से तो मिलना है, हमारे फैन है बहुत बड़े, तो न्यू सब्सक्राइबर है। न्यू सब्सक्राइबर, थैंक यू सर। वो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको भी मेरे चिलन बताता हूँ, उससे पहले आपका परिचय बता दीजिए आपने अपना। मेरा नाम गौरव भाटी है। अच्छा, कहाँ से हो सर आप? ब्यावर से। ब्यावर से? ब्यावर में काफी, ब्यावर से ही है सर। बिहार में किस जगह पर रहता हूँ? अजगरवा थान की साइड, चैंडा रोड। अच्छा, अजगर बाबा के थान के वहाँ तो मैं आना जाना रहता है सर हमारा। अच्छा अच्छा, ओके, चलो ठीक है सर, थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका चैनल क्या नाम है सर? मैं बताता हूँ, हमारा शिवजी महाराज का मंदिर है यहाँ से बाहर से, इतना बड़ा मंदिर है। तो मंदिर के अंदर चलेंगे क्योंकि काफ़ी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नंबर भी आना मुश्किल है। हम एक रास्ते से अंदर चलेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा भीड़ है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेट अंदर जाने का बड़ी बात नहीं है। हाँ सर, कैसे हो आप लोग? हम बढ़िया है भैया। आपको मंदिर में पहली बार ही आ रहे हो या? नहीं, दो दिन और आ चुका हूँ यार भैया मैं। यहाँ का कुछ अच्छा परिचय बताइए मंदिर का, जो पब्लिक आने की डिमांड रखे। भोलेनाथ सबके सबके ऊपर आशीर्वाद रखता है, इसलिए इतनी सारी पब्लिक आती है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे आने से मनोकामना भी पूरी होती है? हाँ पूरी होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है, मैं राजस्थान ब्यावर से हूँ, अजमेर जिले से। सर मैं भी ब्यावर से हूँ, राजस्थान जिले से। अच्छा, अजमेर के पास में। अच्छा, मैं मेरा गांव जोरगढ़ा है पर मैं रहता हूँ यहाँ चांगेट के पास। अच्छा, में अच्छा, अच्छा। आपका सुनने
सर नेम मेरा राहुल रावत है। राहुल सिंह रावत आए तो ये को लाइक और फॉलो वो आगे से आगे करें, आगे से आगे भेजे मतलब। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलो भाई। चेतन जी बोला बोलेंगे। तो गाइस हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं वापस जाके, और हमारे विजेंद्र जी ने काफ़ी मुलाकात की अच्छे अच्छे लोगों से, तो उनको बताया YouTube के बारे में, तो हमारे विजेंद्र भी बताएंगे। आपने यहाँ पे विजिट कराया तो आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिली है? और हमारे को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है जो अच्छी तरह का ध्यान रख रहे हैं किसी का, और हमें बहुत देखने को भी मिला कुछ अच्छे। तो हम तो साल में एक बार ही आते हैं शिवरात्रि को, हमारे को आने का समय नहीं मिलता है, हम थोड़े बिजी रहते हैं। अगर आप है ना फ्री टाइम में भी आओ ना तो बहुत अच्छा ब्लॉक है। अगर अभी भीड़ों में तो आपको भीड़ में तो पता नहीं चलेगा क्या है क्या। बिना शिवरात्रि को आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। ओके सर, बाय। हम यहाँ पर बैठ चुका है ये भाई, हम इतनी मेहनत करने के बाद में भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार बड़ा दुख होता है। जैसे बहुत दुख मिलता है, बहुत दुख मिलता है, जितना बंदी छोड़ के नहीं जाती उससे ज़्यादा दुख यार सब्सक्राइब नहीं करने से होता है भाई। क्या बताऊँ मैं आपको यार, सही बात है ना भाई लोगों? हाँ सही है। अभी देखो मैं कुछ नए भाई लोगों से मिलाता हूँ, उनसे पूछवाता हूँ, देखना वो भी बोलेंगे सही बात है। सही बात है मेरे चेयरमैन साहब जी, ये बेटे मिस्टर डुगा। हाँ मतलब अरे कट कर दूंगा। हाँ तो ये बेटे हमारे चेयरमैन भैया, और ये बेटे मुकेश पवार। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हम घूमने के बाद थक चुके हैं। जरूर जरूर बोलना चाहिए, हमें इतना मज़ा आ रहा है, मतलब मज़ा तो आज छुट्टी भी रखी तो छुट्टी के पैसे पूरे वसूल है, और भगवान शिव भगवान की आज शादी है तो हम उनको इंजॉय कर रहे हैं। शादी में तो आना ही पड़ेगा ना यार, भगवान है हमारे। और हमारे विजेंद्र जी की भी 24 तारीख को शायद शादी है इनकी भी, तो आपको जरूर आना, जो भी हमारे सब्सक्राइबर है तो उनको आना है 24 को, है ना? हाँ तो विजेंद्र जी की 24 तारीख को शादी है। शादी तो है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला लड़की कौन है। लड़की कौन है ये तो ये थोड़ा सरप्राइज है आपके लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हाँ तो हमारा मेरे भाई, क्या नाम है आपके? नरेंद्र। अरे भैया मैं इनसे पूछ रहा हूँ यार, रुको से। हाँ नरेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा क्या काम करते हो आप? मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो है? कौन सी क्लास में? नहीं जैसे कि मेरे को आपका हाथ दिखाना एक बार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके चार छोरा सेट है। जैसे कि अभी आपने देखा पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति को, तो ये काफ़ी टाइम से है, जब यहाँ से मंदिर बना था तभी से यहाँ पे ये मूर्ति यहीं पे लगी हुई है, और ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पे भी दर्शन करने आ सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जब आप मंदिर में दर्शन कर आना आ सकते हो, तो हमें फ़ोटो लेने का व्यू अच्छा गाइस, आप अगर यहाँ से फ़ोटो लेंगे, और अगर आपके पास में आईफोन होगा तो बहुत ही अच्छा व्यू आएगा, और बहुत ही अच्छी तरह से आप फ़ोटो ले सकते हो। उधर आप देखो पहाड़ी का इलाका है, कोई अच्छी बड़ी मतलब कभी सेटिंग वेटिंग को लाओ तो उधर मिलने में बहुत ही मजा आ जाएगा गाइस। लेकिन ऐसा करना मत, मेरा आइडिया है, मेरी थिंक है, लेकिन ऐसा मत करना। चलो आगे बढ़ते इसको लेकर। हाँ तो यहाँ पे आप कब आए? सेकंड बार आए। अच्छा फर्स्ट बार किसके साथ आए थे? फर्स्ट बार पहले पापा मम्मी के साथ में आई थी। अच्छा इस बार सिंगल आयो? मतलब अकेला आयो, मतलब फिर तो मेरे बोलने में दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब से आपका नाम क्या? मेरा नाम विस्मय। अजीब, बड़ा अजीब नाम है आपका। और यहाँ का व्यू वगैरह आपने देखा तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। वैसे पब्लिक की डिमांड यहाँ पे आने की तो अच्छा व्यूज है, तो बता सकते हो आपके भाई पब्लिक को आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, घूमने वगैरह फिरने के लिए। मैंने कभी देखा यहाँ पे कपल भी बहुत ज्यादा जाते इधर, यहाँ पे कपल्स लोग भी आते है। हाँ बिल्कुल। और कभी मैंने बहुत दो कपल पिछली बार आता था झाड़ियों के पीछे देखा था, ये बात सही है? नहीं सभी आते हैं इधर। चलो ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सारे मेरे फैन लोग हैं, इन्होंने मेरे को पहचान लिया, और ये विजेंद्र भाई है, ये सबने मेरे को पहचान लिया, इनका ये मेरे फैन लोग है। और आप कुछ बोलना चाहोगे भैया? ये मेरे खास दोस्त है, ठीक है ब्रो? आ चुके हैं और हमें बहुत ही, अरे लेस खुल गई, लेस लेस। अरे कोई बात नहीं गाइस, गिलेस वैसे खुलती रहती है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा अभी हम, और हम आपको ऊपर के मंदिर का व्यू बताएंगे बहुत ही जल्दी। तो चलो हम ऊपर का सीन दिखाते हैं गाइस आपको।
साहब यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, 10 रुपए दो तो हाथ में क्या गले में डाल दूंगा। बोलो। अरे आपका प्रचार कराऊंगा मैं, माटी कसम। हो गया मेरा तो प्रचार ही है। जहाँ पे ओनली फोर दो कपल जाते हैं और 3 जन आते हैं, ये सही बात है। सही बात है, सही बात है। कौन कौन गया? 2 जन और कौन कौन 3 जन आप जो हो नीम का पत्ता कड़वा है, 100 किलो बढ़वा। अरे यार ये गलत बात है, आप 2 जन आ रहे हो, 3 जन आ रहे हो। और लड़के इसे ये लाइक करे और कोई ना करे, भाई को चक्कर ज्यादा ज्यादा लोग करे। चलो भाई बहुत आगे जाए भाई, और इधर आ जाओ। और जैसे कि आप इधर से एक शॉर्टकट रास्ता भी आप देखो तो, लेकिन हमें गुफा से आना बहुत पसंद था इसलिए हम गुफा से आए, वरना इधर से भी आ सकते थे, हम इधर से शॉर्टकट रास्ता था। तो इधर हमें तुम्हें ले जाऊंगा मैं, चोरी से आना और चुपके से आना ये सारी फेक बातें, ये बातें गाने में अच्छी लगती है, लेकिन अच्छी बात तो ये है रात में अगर घर पर जाओगे तो सुबह सुबह जूते पड़ेंगे, ये सही बात है कि नहीं है? बहुत मारेंगे, बहुत पकड़ के मारेंगे। वही तो बोलता हूँ भाई, अगर किसी को पता भी पड़ गया तो भी मारेंगे, घर वाले को पता पड़ गया तो भी मारेंगे, अपन को ऐसा काम भी नहीं करना है। सो गाइस अभी हम आपको पूरा सीन दिखाने वाले हैं यार, हमको बहुत ही अच्छा लगेगा पूरा सीन दिखाने से है, और हम आपको ऊपर भी एक भगवान है उनके भी दर्शन कराने वाले हैं। तो सो गाइस अभी के लिए स्टॉप करते हैं और आगे नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, चप्पल साइड में चलो गाइस। सबसे बात कर करके थक गए थे, कितना थका आया पता नहीं चला, और गाइस सब में तो बहुत मजा आ रहा सच में। गाइस आप भी आए, कैसा लगा कि मेरी सेटिंग भी आई हुआ अंदर में? अच्छा, फील हुआ थोड़ा अंदर से, इसको ऐसी फील हो रही कि इसकी जीए पा रखी है। मंदिर था तो अभी हम दर्शन करने के लिए आएंगे, एक तरफ ये मंदिर है। जय और वैष्णो माता जी का मंदिर है। चलो हम इनसे पूछते हैं, सर यहाँ पे मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहोगे आप? यहाँ पर मन्नत पूरी होती है और सब तीर्थ यात्री, 25 साल पुराना है ये। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर इनकी मन्नत पूरी होती है, जिनकी भी मन्नत पूरी होती है। तो रात्रि अच्छा, तो मेरी भी मनोकामना पूरी कर देंगे, मैं कुछ भी मांगू मांगू ना, तो यूट्यूब पे एक लाख सब्सक्राइब कर देंगे आप। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंदर से एंट्री करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं वापस, ये गुफा थी। माता रानी जी है मिल जाते हैं मैं। और आप अकेले आए हो भाभी जी के साथ? आए हो भाभी जी के साथ आए? अच्छा, तो भाभी जी अच्छा, और भाभी जी कैसी अपनी? हाँ भाई, यूट्यूबर, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया बढ़िया, डालना वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल यार,
आपको ऊपर का नज़ारा बताते हैं। ये देखो पूरा नीलकंठ महादेव का नज़ारा है, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। हमारे विजन ने गलती से यार फिर आ गया, और इधर देख चुके हो, ये इधर देख चुके हैं, और ये हमारे मुकेश जी। तो गाइस देख लो, आज मेरा है व्रत और मैं थक चुका हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। आप जो भी बोलेंगे मेरे मुकेश भैया ही बोलेंगे। तो मुकेश और जी से पहले शुरुआत हो सकता है कि मैं अगर चार्ज हो गया तो फिर मैं बोलूंगा, नहीं तो फिर मुकेश भैया बोलेंगे। ये चार्ज भैया, ये चार्ज गाइस शाम को होगा। अभी मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ, ये डिस्चार्ज हो गया इनका व्रत है, इसलिए हम गाइस वापस नीचे जा रहे हैं। मंदिर के दर्शन भी कर चुके थे तो इसके बाद हम नीचे जा रहे हैं और इतना थक गए कि हम नीचे जा रहे थे, ऐसे हो चुका है। जैसे कि हमने ना सारे है ना जो भी चीज़ें थी यहाँ पे मेन में वो सारी देख ली है, और अब हम घर के लिए पछताना हो रहे हैं। तो हम घर जा रहे हैं और हमारी गाड़ी अभी पार्किंग में खड़ी है, इसलिए हम गाय जा रहे हैं, हमारी गाड़ी लेंगे। और आज हमारा व्रत भी है गाइस तीनों का। चेतन वर आपने कितना एंजॉय करा यहाँ? हमने बहुत एंजॉय किया है, हमने यहाँ पर आने के बाद बहुत एंजॉय किया था, और गाड़ी पे आए थे उस समय भी हमने बहुत एंजॉय किया। बहुत खास आज हम पहली बार ऐसा एंजॉय कर पाए, हम तीनों फ्रेंड साथ में हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये एंजॉय यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुआ है। रुपये के पानी पर सदार बर्फ़ का गोला, सब फेक बातें है, कोई गोला वोड़ा नहीं है, सब बड़ी बात है, गोला नहीं है गाइस, वो है पानी पतासे है। गाइस जब हम आए थे तो बहुत ही कम भीड़ थी, ना के बराबर थी, लेकिन अब जो भीड़ है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही भयंकर भीड़ हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकता, काउंटिंग में तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी भीड़ हो गई है। गिन तो कोई भी नहीं सकते, अनगिनत लोग हैं, तो लेकिन इतने क्या है, गिन तो कोई भी नहीं सकते, हम भी नहीं गिन सकते, ना आप भी गिन सकते हो बच्चे। तो गाइस हर बार मैं आपसे एक ही दुआ करता हूँ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अभी भी मैं आपसे वही मांग रहा हूँ जो पहले मांगता था। आज हम चेतन ब्लॉग चैनल पे आओ, अपने चैनल है। तो जैसे कि ये चेतन भैया है, मतलब हाँ, एक मिनट गांव में आप रहे, चांग में दो आदमी मर जा, यूट्यूब पे कोई बढ़िया चोरी देख हुआ। मुझे यही लगता है की लड़की सेट करने के लिए आया है, बाकी महिंद्र के दर्शन करने के लिए नहीं आई है। बात सही है सर? हाँ सही है बिल्कुल, मेरे दर्शन लेकर बाबू बिल्कुल बेचन। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से वापस, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, और भीड़ का तो क्या ही बताए गाइस, इतनी भीड़ तो हमको शोभा नहीं देती, फिर भी हम भीड़ का वेट कर रहे हैं। हाँ गाइस जिंदगी बहुत ज़्यादा थी, तो गाइस वहाँ नहीं पियेंगे, हम कहीं बाहर पियेंगे कोई अच्छी जगह से, जहाँ पे कहीं पे भी दिखेगा, कोई भी दिखेगा, ये नहीं है कि हम कहीं पे भी पी लेंगे, जहाँ पे फर्स्ट टाइम अभी दिख गया बाहर अच्छी व्यवस्था होगी वहाँ पे पी लेंगे। और मतलब कुछ गाइस बोला नहीं जा रहा यार, इतना मतलब मेरी बैटरी लो हो गई, अब क्या बताऊँ इसको चार्ज करूँगा। गाइस आज हमारा तीनों का व्रत भी है, और धूप भी इतनी पड़ रही है, गर्मी भी हो रही है, तो इसलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है धीरे धीरे। हम जाके जूस वूस पियेंगे, तो उसके बाद हमारे थोड़ी एनर्जी आएगी शरीर में वापस। हाँ भाई थक गया। फ्रेंड लोग आए हमारे पास में हमारा यूट्यूब का नाम पूछने के लिए। हाँ बढ़िया है, शानदार है, मजा आ गया, काफ़ी टेस्टी है, मज़ा आ गया। फाइनली हम आ चुके हैं नीलकंठ जाकर, हमारे मुकेश जी विजेंद्र जी भी थे साथ, तो वो घर चल गए। हमने खूब मस्ती की है, बहुत मस्ती की, बहुत लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ा भाई साहब सुसंस्कारी आदमी है, हम सीधे आते हैं सीधे जाते हैं, मस्ती जरूर करते लेकिन गलत काम नहीं करते। तो हमने खूब इंजॉय किया। तो गाइस
मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, अगर बाय सी यू, अगर गाइस आपको अच्छा लगा तो हमें बताना। मिलते हैं गाइस ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग शूट करते हैं हम कहाँ कहाँ जाके। और आप एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते गाइस, सपोर्ट करो यार गाइस, सपोर्ट करने में आपको कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं, इतना सा एक सेकंड का टाइम नहीं जाता, बस जाके क्लिक करना है, क्लिक करना है गाइस और कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे इतना सोचते हो, और वहाँ पर भी हमारे जो यूट्यूब के थे वो भी हमारे मिले थे, तो हम बताएंगे उनको भी। और हमारे को कुछ बेने भी मिली थी, तो वो उनसे भी हमने बातचीत की, तो गाइस अच्छे से बात करी, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात करी हमसे, और कुछ अपना समझ के कुछ बोला है, ऐसा नहीं है हमने कुछ भी कुछ उनको गलत नहीं पूछा, वो एकदम खुल के बोल रही थी, बहुत बहुत अच्छी बंदी थी वो। वो भी हमारी बहन जैसी हैं, तो गाइस इसलिए आप हमें सपोर्ट कीजिए, और हमारे चैनल और हम आपको बिहार की ऐसे ऐसी चीज़ें बताएंगे हमको। टिक एंड बाय, टिक एंड बाय गाइस, तो मिलते हैं शाम को, ऐसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।